गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नैपचैट से पैसे कैसे कमाएं। गैस स्नैपचैट से पैसे कमाने के लिए आप लोगों को स्नैपचैट अकाउंट है उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा। अभी 2024 का एक नया अपडेट आ चुका है जो कि इसके मोनेटाइज के रिलेटेड है। आप लोग इसको मोनेटाइज करके यहां से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं, इसको यूज करना नहीं जानते हैं, कैसे इसको यूज करना है, कैसे वीडियोस को पोस्ट करना है, कैसे यहां पे रील को वायरल करना है, तो गैस वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब यहां पे क्या है, आप लोग को स्नैपचैट से पैसे कमाने के ये कुछ क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी हैं, वो आप लोग को कंप्लीट करते हैं तो आप लोग यहाँ से जो भी डॉलर है वो आप लोग बना सकते हैं। जो भी वीडियोस पे डालेंगे आप, हर एक वीडियो का यहाँ पे डॉलर बनता है, तो उसके लिए आप लोगों को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है और क्या क्या क्राइटेरिया है। वो सारे क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सिंपली क्या है, यहाँ से पैसे कमाने के लिए आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं लगता। आप लोग जानते होंगे कि सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए कोई भी आप लोग की इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, तो फ्री है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास में स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो उसकी मदद से आप लोग यहां से पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे आप लोग स्नैपचैट को डाउनलोड करेंगे तो मैंने यहां पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा किया, जैसा कि आप लोग बगल में देख सकते हैं यहां पे आप लोग को लिखा हुआ है देयर आर सेवरल क्राइटेरिया फॉर यूजिंग स्नैपचैट इंक्लूडेड एज अकाउंट टाइप एंड कंटेंट। तो यहां पे आप लोग को पैसे कमाने के लिए कुछ यहां पे क्राइटेरिया है कि आप लोग को कुछ एज का मैटर होता है कि क्या आपकी एज होना चाहिए और अकाउंट टाइप की मतलब कि आपकी नीच क्या है, आप लोग किस कंटेंट पे वीडियोस बनाते हैं। और आप लोग को यहाँ पे जो चौथा वाला है, तीसरा वाला है, वो होता है कंटेंट वाला कि आप लोग कौन से यहाँ पे कंटेंट पे वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देते हैं अकाउंट टाइप है हो गया टू बी एलिजिबल फॉर स्पॉटलाइट, यूजर मस्ट बी हैव अ पब्लिक प्रोफाइल। तो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए जो पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपकी जो भी प्रोफाइल है वो पब्लिक होना चाहिए। तो पब्लिक प्रोफाइल किस तरीके से होती है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे आपको आना है और जो देख सकते हैं एज वाला भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आप लोग की यहाँ पे यूजर मस्ट एटलीस्ट 13 ईयर ओल्ड टू क्रिएट अ स्नैपचैट अकाउंट। हाउएवर सम दैट्स इज इजी फॉर यंगेस्ट यूजर टू बाईपास द एज रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे आप लोग का क्या है, आप लोग 13 साल के ऊपर होना चाहिए, आपकी जो भी आईडी है उस पर 13 साल के ऊपर आपका लिखा होना चाहिए, तभी आप लोग इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अकाउंट टाइप वाला है तो मैंने आपको बता दिया, जो कंटेंट यूजर मस्ट अडेयर टू स्नैपचैट कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड स्पॉटलाइट गाइडलाइंस, कंटेंट शुड बी ओरिजिनल सेफ एंड अप्रिशिएट फॉर ऑल यूजर। अब आप में से कई सारे लोग होते हैं जो कि दूसरों का भी कंटेंट यहाँ पे डालते हैं, तो गैस यहाँ पे स्नैपचैट खुद कह रहा है कि आप लोग को इनके जो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके खिलाफ आप लोग को कोई भी वीडियोस नहीं डालनी है, मतलब कि दूसरों की वीडियोस नहीं डालनी है, कोई भी गलत वीडियोस नहीं डालनी है। अगर आप लोग गलत वीडियोस डालते हैं तो आपकी जो भी आईडी होगी वो डीमोनेटाइज हो जाएगी, कोई भी आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, तो ये आप लोग को नहीं करना है। और यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो स्पॉटलाइट रिवॉर्ड प्रोग्राम हो गया टू बी एलिजिबल फॉर द स्पॉटलाइट रिवॉर्ड प्रोग्राम यूजर मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहां पे आप लोग को पैसे कमाने के लिए और इनके जो भी एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो करने के लिए आपका जो भी तीन यहाँ पे क्राइटेरिया उनको आप लोग को फॉलो कर लेना है। जो पहला क्राइटेरिया बी अ लीगल रेजिडेंट ऑफ एन एलिजिबल कंट्री, तो गैस इंडिया है लीगल कंट्रीज में आती है, तो यहाँ पे आप लोग अपना जो भी आईडी है वो आप लोग मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये जो पहला क्राइटेरिया है ये आप लोग का टिक हो चुका है। यहाँ पे जो दूसरा वाला हैव अ स्नैपचैट अकाउंट एटलीस्ट 1 month ओल्ड, तो आपका जो भी स्नैपचैट अकाउंट है जहाँ पे आप लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं तो वो अकाउंट आप लोगों का यहाँ पे 1 महीना पुराना होना चाहिए, तब आप लोग उसको एलिजिबल कर सकते हैं। तो दूसरा भी हम लोग कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा है कि हैव एटलीस्ट 1000 फॉलोवर, तो आपके 1000 फॉलोवर होना चाहिए 1 महीने के अंदर, तब आप लोग इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे दे देते हैं स्टोरी रिवॉर्डिंग वाला हो गया, तो इसको भी आप लोग सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे स्टोरी रिवॉर्डिंग टू बी एलिजिबल फॉर स्टोरी रिवॉर्डिंग मस्ट यूजर एटली यहाँ पे फॉलोइंग क्राइटेरिया, पहला जो मैंने आपको बता दिया जो 18 साल का यहाँ पे हो गया, और जहाँ पे 18 साल हो गया और मेजोरिटी इन देयर कंट्री, ये भी आप लोग का कंप्लीट है। अब यहाँ पे क्या है, स्टोरी से पैसे कमाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि आप लोग यहाँ पे स्टोरी पोस्ट करके पैसे कमा सकते हैं, और आप लोग स्नैपचैट खोलते हैं तो आप लोग को बहुत सारे स्टोरी देखने को मिलती हैं। तो स्टोरी से पैसे कमाने के लिए आप लोग को सबसे पहले जाना है स्नैपचैट पे, और इनके कुछ क्राइटेरिया हैं, आप 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और जो दूसरा है कि आपको 50,000 फॉलोवर होना चाहिए और पब्लिक प्रोफाइल भी होना चाहिए, और जो तीसरा हो गया जो आपके 25 मिलियन व्यूज होना चाहिए, 12,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए 28 दिनों में,
तो आप लोग स्टोरी से जो है पैसा कमा सकते हैं। तो ये सबसे मेन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो आ जाते हैं। अब आप लोगों ने एक अफवाह उड़ी होंगी कि स्नैपचैट से स्नैप स्कोर हो गया और स्नैप स्ट्रीक से पैसे कमा सकते हैं, तो गैस वो क्या सच में कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? तो गैस मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ और इसको जो पब्लिक प्रोफाइल है वो किस तरीके से होती है और अपनी वीडियोज़ को हम लोग एनालाइज कैसे करें, वो सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उसको बताने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे हिट कर देना, ताकि इन फ्यूचर में हमारे चैनल से आपको ऐसे ही अर्निंग टाइप के वीडियोस मिलते रहें। और भी अगर एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है तो गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग पार्ट टाइम एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं। प्लस स्नैपचैट के सारे जो भी क्राइटेरिया है, आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पे वीडियोस डालना होता है, वो सारी जानकारियां मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे बताया करता हूँ। अब सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अब अभी आ चुके हैं स्नैपचैट पे। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फायर टाइप की यहाँ पे स्ट्रीक टाइप की बनी हुई है कि आप लोग की 6 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, तो गैस ये आप लोगों की होती है स्ट्रीक। मतलब कि आप लोगों ने अगर 5 यहाँ पे किसी को, यहाँ पे मेरा कोई दोस्त है, ये दोस्त है, तो मैंने क्या किया, इसको 5 दिनों तक मैंने इसको स्नैप भेजा और इसने भी मुझे वापस में 5 दिनों तक स्नैप भेजा, तो गैस ये बनती है आपकी स्ट्रीक। तो आप लोग को यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रीक बना सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग सबसे पहले आप लोग को जाना है प्रोफाइल पे, तो प्रोफाइल पे आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे नीचे करना है, तो यहाँ से आप लोग अपने जो भी यहाँ पे जो स्नैप स्कोर है यहाँ से देख सकते हैं कि आपके कितने स्नैप स्कोर हैं। तो मेरे आप लोग देखते हैं कि 63,000 मेरे पास में अभी स्नैप स्कोर हैं। तो स्नैप स्कोर से यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं अर्निंग होती है, तो हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं वीडियोस बनाते हैं कि यहाँ पे जो टोकन होते हैं टोकन में अर्निंग होती है, तो कोई भी टोकन में अर्निंग नहीं होती है, ना ही स्नैपचैट, ना ही स्नैप स्कोर से अर्निंग मिलती है, ना ही स्नैपस्ट्रीक से अर्निंग मिलती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है पैसे कमाने का, वो है आप लोग स्पॉटलाइट डाल सकते हैं और स्पॉटलाइट डाल करके पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप लोग स्टोरीज डाल करके पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्क्रॉल पे आना है, तो यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल करने के लिए, तो गाइस पब्लिक प्रोफाइल करने के लिए यहाँ पे टॉप में दे देते हैं आपकी जो भी प्रोफाइल होगी ये दिखाएगी, और उसके बगल में आप लोग देखते हैं माई अकाउंट के बगल में एक ऑप्शन आएगा माई पब्लिक प्रोफाइल का, तो सबसे पहले आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी पब्लिक प्रोफाइल होगी वो यहाँ पे शो होगी। अब जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं वो भी शो होंगे कि आपके कितने फॉलोवर हैं, और यहाँ से आप लोग जो भी अपनी आईडी है वो एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, अगर कोई आप लोग वीडियोज डाल रहे हैं तो यहाँ पे स्टोरी वाला, तो नीचे यहाँ पे आ गया सामने स्टोरी दे सकते हैं। अब स्पॉटलाइट को डालें तो स्पॉटलाइट यहाँ पे दे सकते हैं, स्पॉटलाइट वाला भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली हम लोग स्पॉटलाइट पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई भी स्पॉटलाइट नहीं डाली है, तो कोई भी यहाँ पे सारा ब्लैंक दिखा रहा है। अब हम लोग अपनी वीडियोज़ को एनालाइज कैसे करें कि कितने लोगों के पास मेरी वीडियो गई, कितने लोगों ने वीडियो को देखा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इनसाइट वाला देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इनसाइट पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप लोग इनसाइट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी स्टोरी होगी वो सारी यहाँ पे दिखाएगी कि कितने लोगों ने आपकी स्टोरी देखी और कितने देर तक आपकी स्टोरी देखी और कितने लोगों ने आपकी जो भी स्पॉटलाइट है देखी, वो सारा इंटरफेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग सबसे पहले क्या है, मैंने जो इनके क्राइटेरिया है वो बता दिए हैं, क्राइटेरिया मैंने जो बताएं आप लोग को वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो 1 से 2 महीने में सारे क्राइटेरिया पूरे कर सकते हैं अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस डालते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल ये रहता है कि हम लोग कितने हैशटैग लगाएं, तो अगर आप लोग कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो उस पर आप लोग 3 से 4 हैशटैग लगा सकते हैं, और 4 या 5 से ज़्यादा आप लोग को हैशटैग नहीं लगाना है, क्योंकि 3 से 4 हैशटैग लगाते हैं तभी आपकी जो वीडियो होती है वो वायरल जाती है। अगर आप लोग खुद का कंटेंट बना रहे हैं तो उससे क्या है, आप लोग का डॉलर भी बहुत ही अच्छा खासा बनता है, क्योंकि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वर्क करते हैं तो अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जो भी आपकी अर्निंग होती है उसमें से कुछ काटते हैं, बट स्नैपचैट कोई भी पैसा आपका नहीं काटता है पूरा। अगर आप लोग 100 रुपये भी कमा रहे हैं तो वो पूरा 100 रुपये का 100 रुपये आप लोग को वो दे देता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग की जो अर्निंग है वो कितनी ज़्यादा होती है, और स्नैपचैट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आप लोग पैसे कमा सकते हैं। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताई स्नैपचैट के बारे में। अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।